जीना मुश्किल है कि आकर जरा देख तो लो, लगते हैं लोग परेशान, जरा देख तो लो, ये नया शहर है तो खूब 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 बसाया है तुमने, क्यों पुराना हुआ वीरान, जरा देख तो लो। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के नाम पर राजनीति की है, व्यापार किया है, लेकिन आज बहुत ही दुखित मन से मैं बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ सदन में कि अयोध्या के नाम को, अयोध्या के विकास को पूरी तरह से नकारा गया है। मानवर इसलिए कि मैं दलित जात का हूँ और सामान्य सीट से हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया था और 22 जनवरी से लेकर जब तक मानवर चुनाव हुआ था, देश के कोने कोने से लोग आए अवधेश प्रसाद को हराने के लिए, समाजवादी पार्टी को हराने के लिए, अखिलेश यादव के उम्मीदवार को हराने के लिए, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा मानवर मेरे ऊपर, इसलिए उनको नकार दिया है। मानवर इसलिए नकारा है कि वहाँ के लोगों को जो प्रभु श्री राम के प्रजा थी, श्री राम को बहुत प्यारी थी, उनको सताया गया है, उनके घरों को ढहाया गया है। मानवर चाहे वो राम पथ का मामला हो, चाहे एरोड्रम का मामला हो, चाहे अन्य निर्माण का मामला हो, लोगों के दो दो पीढ़ियों के मकान को बुलडोजर लगा करके ढहाया गया है। बच्चे चिल्चिलाते थे, महिलाएं रोती थी, बुजुर्ग रोते थे, और आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बुलडोजर चलने से, घर ढहाने से तीन तीन लोगों के नगर के मौतें हुई हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकारा गया है। मानवर जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या को मंदिर निर्माण का आदेश दिया, तब बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी गईं, जमीनों में घोटाला किया गया। एक जमीन ऐसी है मानवर कि 2 करोड़ की थी और 2 घंटे के बाद उसको 18 करोड़ में बेचा गया है। ये खरीदने वाले कोई दूसरे नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। किसानों को बर्बाद किया है, तबाह किया गया है, और इसीलिए जनता आज नाराज है, पूरी तरह से नाराज है। और अगर किसी ने काम किया है तो माननीय हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने किया है, उन्होंने